क्या यार तुम कैसी बातें करते हो भाई, इतने टाइम बाद मिले तो जोक्स तो बनते ही ना। बिल्कुल यार, कुछ भी बोलो, तुमने ना ये घर बहुत सुंदर बनाया, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी की तरह, धार्मिक और सनातनी। क्यों भाई? बिल्कुल मानना पड़ेगा ये बात तो। ऊपर से देख रहे हो सामने भगवान श्री राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर आ गया है और जल्दी ही प्रभु श्री राम भी यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। अरे एक मित्र है हमारे, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था तो हम लेकर आ गए। अरे ये बहुत सुंदर है। नरोला जी, राम मंदिर तो आ गया, अब ये ज्ञान वापी और काशी भी लेके मानेंगे। मैं तो सोच रहा था एक एक आपको भी गिफ्ट करूं, क्या बोलते हो? हाँ हाँ भाई, मुझे तो चाहिए, घर वाले बहुत खुश होंगे देख के, है ना? और आप मेरा वाला भी इन्हीं को दे दीजिएगा, हमारे तो दिल में ही ठीक है जो भी है। ठीक है फिर, अब क्या बोले? अच्छा चलो ठीक है, आपको कुछ देना है मुझे तो एक चीज दे दीजिए। क्या? मेरे बस एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अपनी पत्रकारिता आप अपने दफ्तर में कीजिएगा। अरे नरुला जी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा सवाल पूछना धर्म है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे ठीक है महाराज, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है दीपक जी, कि आजकल ज्ञानवापी, काशी सब की बात चल रही है, मथुरा की बात चल रही है, आपको क्या लगता है यार कितना रिक्लेम करेंगे हम? एक, दो, दस मंदिर, 100 मंदिर, 1000 मंदिर, कहाँ तक जाएंगे यार? भाई प्रॉब्लम क्या है, जब एविडेंस मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम यही तो दिक्कत है ना नरुला जी। अगर आपके घर के नीचे से मूर्ति निकलती है कल को तो आप छोड़ देंगे घर अपना? बिल्कुल नहीं। यही तो मेरा सवाल है ना यार, इसकी कोई सीमा होनी चाहिए कि नहीं? क्यों दीपक भाई? देखो यार, ना मैं आपकी तरह लॉयर हूँ ना आपकी तरह पत्रकार, तो भाई मुझे घुमा फिरा के शब्दों का जाल बिछाना आता नहीं है, मैं बस अपना व्यक्तिगत विचार दे सकता हूँ क्योंकि तुम लोग पूछ रहे हो, तो वही साझा कर दीजिए। आप लोगों की बातों से मुझे एक अमेरिकन राइटर है मार्क ट्विन, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि If anything is older than history, that is काशी। मतलब इतिहास में, इतिहास से भी पुराना कुछ है तो वो काशी है। तो सवाल आ सकता है ना कि यार ऐसा क्या है काशी में जो इतना प्राचीन है कि इतिहास से भी प्राचीन हो गया? अगर है तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए या नेग्लेक्ट कर देना चाहिए? आप लोग बताइए। भाई मेरे हिसाब से तो प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व करना चाहिए है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है ये सारे जो मंदिर हैं हमारे, ये सब कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी प्राचीन इतिहास से तो जोड़ते ही है ना। अगर हम उनको प्रिजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस है ना भाई, तो इसलिए रिक्लेम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और प्रिजर्व के नाम पे हम कितने मंदिरों को प्रिजर्व करेंगे, यही तो है। अभी देखो ना, हम लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि यार इजिप्ट में कितने सुंदर सुंदर प्राचीन पिरामिड्स हैं, उन लोगों ने आज भी संभाल के रखे हुए हैं। रोमन एम्पायर से कितनी सारी चीजें हैं, उन्होंने आज भी संभाल के रखी हुई है। अरे हम वो भारतीय हैं जिन्होंने पूरी सिविलाइजेशन अभी तक संभाल के रखी हुई है, पूरा कल्चर संभाल के रखा हुआ है, और कोई कदर ही नहीं है। देखो भाई, जब छत्रपति महाराज, महाराणा प्रताप बोलते थे ना, हर हर महादेव, जय भवानी, जय श्री राम, तो ये जो वॉर क्राई है ना इनका, इसमें राम आ रहे, महादेव आ रहे, कौन है ये लोग भाई, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो जाहिर सी बात है ना, कोई तो है ये हमारे, कुछ तो रिश्ता है ना हमसे, तो अगर हम इस रिश्ते को आज भी बनाए रखना चाहते हैं, हम आज भी उनकी चीजों को याद रखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी चीजों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि एनीवे भारत तो इनसे ही जुड़ता है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा सबको क्लेम करते फिरो, पर एटलीस्ट जो प्रोमिनेंट वन है उनको तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए। हम लोग इतने गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे हैं, भारत जो कभी, जहाँ पे कभी एक राम राज्य हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे भारत एक सेकुलर कंट्री है जो कि संविधान से चलता है। ऐसे सेकुलर कंट्री में क्या सिर्फ और सिर्फ मंदिरों की बात करना, उन्हें प्रिजर्व करना, आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक रहेगा। मैं मानता हूँ इस देश में मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, और भी धार्मिक लोग रहते हैं, और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और सबकी अपनी एक रिलीजियस हिस्ट्री भी है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि इस भारत की भी अपनी एक हिस्ट्री है, इस भूमि का भी अपना एक इतिहास है। अब इस भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो अगर इसका इतिहास जानना है तो कहाँ लेके जाएगा ये इतिहास? महाभारत की ओर। महाभारत मतलब भगवान कृष्ण की ओर। तो अगर ये इतिहास हमें भगवान कृष्ण की ओर लेके जा रहा है तो हम क्या करें? हाँ हम सेकुलर है ना, नहीं जाएंगे। यहाँ पे जन्मा चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, कोई भी, हम सब भारतीय हैं
और भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो उनको पूजे, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको भी सम्मान दे, क्योंकि वो भी हमारे हैं। मुस्लिम होने से, क्रिश्चियन होने से वो पराये नहीं हो जाते। आप भारतीय अपने आप को मानते हो तो सम्मान दो उनके, तो उनके जो मंदिर है वो आपके भी है, उसको रिस्पेक्ट करना, उनको पूजना आपकी भी जिम्मेदारी है। आप लोग तो कई बार ऐसे बात करते हो जैसे ये जो ब्रिटिशर्स आए थे, इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, ये तलवारों के दम पे क्या कहते हैं हमारा अस्तित्व मिटाने में लगे थे, आप शब्दों के जाल बुझा के हमारा अस्तित्व मिटाने में लगे पड़े। सेक्युलरिज्म ये थोड़ी कहता है कि हम अपने पास्ट को भूल जाएं, अपने इतिहास को भूल जाएं। मेरी बात आपकी सही है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ मंदिरों की बात करना अदर कम्युनिटीज को हर्ट नहीं करेगा? कैसा हर्ट हो रहा है? मंदिर मंदिर से कैसे हर्ट हो सकता है किसी को? भाई यही मंदिर वाली सोसाइटी थी। पारसी लोगों को जब पूरी दुनिया से भगाया जा रहा था ना, तो इस मंदिर वाली सोसाइटी ने उनको जगा दी थी। इसी मंदिर वाली सोसाइटी में क्या हुआ, जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, सिखिज्म आया, चरवाक जैसी फिलोसफीज आई। यही मंदिर वाली सोसाइटी कभी इतनी फ्लरिश कर रही थी, इतनी ज्यादा समृद्ध थी कि इस्लामिक लोग खींचे चले आए लूटने, इसको ब्रिटिशर्स लोग लूटने आ गए, उनको भी जगा दी इन्होंने। और ये कह रहे हैं कि अरे मंदिर है ना, मंदिर वाली सोसाइटी हर्ट करेंगे। हर्ट नहीं करती, बल्कि मंदिर वाली सोसाइटी तो सबको पालती है। उदाहरण दूं, राम मंदिर बना ना, पूरा राज्य एकदम जगमगा उठा, कितना राज्य को प्रॉफिट हुआ, पूरा शहर रिन्यू हो गया। इस चक्कर में कितने लोगों को जॉब मिली? सिर्फ हिंदुओं को जॉब मिली? सबको काम नहीं मिला। इवन आज भी ना, अब जितने भी तीर्थस्थल चले जाओ, वैष्णो देवी जाओ, आप चले जाओ रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पे कितने मुस्लिम के घर हैं जो मंदिर की वजह से चल रहे हैं। लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग उन मुसलमानों के दुकान पे खाना खा रहे हैं। तो पहले भी मंदिर पाल रहे थे, आज भी पाल रहे हैं और आगे भी पालेंगे। तो ये कहना कि मंदिर बनेंगे तो नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। मंदिर की वजह से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, हम हिस्टोरिकली ज्यादा स्ट्रांग और प्रिजर्व्ड हो रहे हैं कि यार इतनी प्राचीन सिविलाइजेशन आज भी है, कितने सुंदर है, जॉब्स मिल रही है लोगों को। और सबसे अच्छी बात है, हमारी सोसाइटी में स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रहा है। उससे फायदा क्या होता है? सोसाइटी का कैरेक्टर, मॉरल अपलिफ्ट होता है, इंडिविजुअल हम ग्रो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, भगवान शंकर हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्णा हो गए, ये सब हमारे प्राचीन इतिहास से हमको जोड़ते हैं। अगर इन्हीं की चीजें हम प्रिजर्व नहीं कर पाए तो क्या फायदा पावर में रहने का, क्या फायदा? हम लोग अपने इतना एडवांस कर रहे हैं पर अपने इतिहास को नहीं बचा पा रहे। तो मुझे नहीं समझ में आता आप लोग क्या कह रहे हो, पर व्यक्तिगत विचार से मैं चाहता हूं कि जो प्रोमिनेंस टेम्पल है वो रिक्लेम किए जाए। पत्रकार महोदय, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक चीज हेल्प कीजिए, हमारा टारगेट है कि हम 4.5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करें, तो उस मिशन में आप लोग हमारी मदद करें। क्यों? जरूरी, बिल्कुल। मिलते हैं, हरे कृष्णा।